हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल एंड डिलाइट्स। और आज आपके दिल को डिलाइट करने के लिए मैं बना रही हूँ आपके लिए एक डिलाइटफुल डिश। और हम बनाएंगे कस्टर्ड पुडिंग, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सुपर फास्ट डिश है, बनाने में इजी। बस ऑल यू नीड इज़ सम ड्राई फ्रूट्स, सम टूटी फ्रूटी एंड सम कस्टर्ड, आपका जो पाउडर होता है। दूध आपके घर में होता ही है, तो जब भी दूध बचे, आपका जो ब्रेड वगैरह बच जाए, तो बनाइए ये शानदार डिश और खुश कीजिए मेहमानों को और ख़ुद भी खाइए। बहुत अच्छा डेजर्ट है और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ डिश मैं इसको बोलना चाहूँगी। तो चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं आपको ये कैसे बनाई जाती है। तो चलिए कि चलते हैं किचन की तरफ। तो देखिए गाइस, आज हम कस्टर्ड पुडिंग बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें सामान क्या क्या लगता है। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 कप चीनी, ये मैंने 1 कप दूध लिया है जिसको मैं कस्टर्ड के साथ थोड़ा पहले मिक्स करूंगी। यहाँ मैंने 6 कप दूध लेके इसको देखिए अच्छा सा मैंने उबाल पहले ही दे दिया है। दूध आप कोई सा भी लीजिए, आपके पास जो अवेलेबल है। और यहाँ पे मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून मिक्स नट्स, इसमें सब कुछ है। ये जो पम्पकिन सीड्स भी होते हैं वो भी है इसमें, और बादाम, काजू, किशमिश, इसमें सब है। तो मिक्स नट्स है, आपके पास जो नट्स अवेलेबल है आप वो डालें। तो ये 2 टेबलस्पून भर के है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने टूटी फ्रूटी ली है, आपके पास है तो डालें, नहीं है तो स्किप करें। और ये मेरे पास ब्लैक रेजिन्स है जो हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं, ये भी ऑप्शनल है, मेरे पास है मैं इसलिए डाल रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें। सिर्फ आप ड्राई फ्रूट से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं और टूटी फ्रूटी से, तो ये वैसे भी बहुत अच्छा दिखेगा। और यहाँ देखिए मेरे पास है कुछ बची हुई ब्रेड स्लाइस, तो ये मैंने ली हैं 6 से 7 ब्रेड स्लाइस, और ये मेरी बची हुई ब्रेड्स हैं और तभी मैं ये डेजर्ट बना रही हूँ। और अगर मेरे पास फ्रेश भी होती है तो मोस्टली मैं जब फ्रेश होती है तो मैं उसको सैंडविच बनाने में यूज़ कर लेती हूँ, तो आज मेरे पास ज़्यादा हो गई तो मैं इसलिए इसकी कस्टर्ड पुडिंग बना रही हूँ। आप फ्रेश ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मैंने ले लिया एक बोल, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये 1 कप भर के दूध, 1 कप भर के दूध डाल लिया है मैंने। और यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें ये 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, सॉरी 4 टेबलस्पून आपका कस्टर्ड पाउडर है। तो कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल देते हैं, ये ठंडे दूध में ही आपको करना है। और इसको अच्छे से क्या है, दूध में आप इसको मिक्स कर लीजिए। और ये हमने दूध, ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ हमने क्या करा है, ये दूध को अच्छे से उबाल लिया है, अब इसमें हम डालेंगे ये अपना कस्टर्ड मिक्स जो हमने किया था वो दूध। और इसको अब हम कंटिन्यूस चलाएंगे, बिकॉज इसमें लम्ब्स बनने का काफ़ी खतरा होता है। और जो गैस है वो हम रखेंगे इसमें मीडियम। तो देखिए गाइज, हमने इसको जो है कंटिन्यूस चलाना है, क्योंकि इसमें लम्ब्स बनने का डर रहता है और हमने इसे बिल्कुल लम्ब्स फ्री बनाना है, तो हमें इसे कंटिन्यूस हिलाना है। इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी 1 कप चीनी। तो देखिए 1 कप चीनी डाल के अब इसे हम तब तक बनाएंगे जब तक ये हल्का सा रिड्यूस नहीं हो जाता। रिड्यूस होकर जब इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी सी हो जाएगी, तब इसको हम तब तक इसे स्टर करते रहेंगे। तो देखिए गाइज, मैं यहाँ पे जो साथ साथ इसको भी हिलाती जाती हूँ साथ साथ। और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है जिसमें हम डालेंगे यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून घी। देखिए गाइज, यहाँ पे हमने 6 से 7 टेबलस्पून जो है वो घी ले लेना है। अब देखिए मेरे पास, मैं इसको घी से बनाती हूँ क्योंकि मुझे जो इसका घी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। आप अगर ऑयल से बनाना चाहते हैं, आप ऑयल से बनाइए और आपकी जैसी मर्जी है वैसे ट्राई करें इसको। तो हमने यहाँ डाल लिया है इस पर घी। और अब मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी, तो देखिए यहाँ मैंने जो ब्रेड है उसको 4 हिस्सों में कट कर लेना है। तो ये इसको आप पहले एक दबा लीजिए ऊपर से ऐसे 2, और आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं, अगर आपके 2 का आप कन्वीनियंट है 2 में तो आप 2 यूज़ करें। मैं तो यहाँ पे जो छोटे पीस अच्छे लगते हैं सर्व करने में भी जो है कंफर्टेबल होता है उसमें। तो ये देखिए हमने इसको 4 टुकड़ों में ब्रेड को कट कर लिया। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जो है ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे इनको रखेंगे इसमें, और बी केयरफुल इनको तलते समय, क्योंकि जो घी का गरम लगता है बहुत तेज लगता है। तो ये हमने कर लिया है, अब इनको हम फ्लिप करते रहेंगे। तो हमारी नज़र यहाँ कस्टर्ड पे भी है, ये हल्का हल्का देखिए अच्छे से गाढ़ा होने लग गया। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा हम इसको और करेंगे ब्राउन, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे हम इसको, तब इसमें इसको हम फिर बंद करेंगे। तो अभी इसे गाढ़ा होने में 5 से 6 मिनट और लगेंगे। तो हमने इसे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही कम गैस में इसको हमने लाइट जो सबसे कम फ्लेम होती है गैस की उसमें इसे रखा हुआ है। तो आइए यहाँ पर हम ब्रेड के जो पीसेज हैं इनको हम कर लेते हैं ब्राउन। अच्छे से ब्राउन होने चाहिए तभी मज़ा आता है इनमें, इनको देखने में भी और खाने में भी। तो देखिए ब्रेड का जो ऐसे हम शाही टुकड़े में भी सेम यही प्रोसेस करते हैं। आप शाही टुकड़ा बस उसमें रबड़ी बनती है, यहाँ हम कस्टर्ड बना रहे हैं, और अदरवाइज डिश जो है वो बिल्कुल सेम है। तो मुझे तो जो शाही टुकड़ा से अच्छा जो है ये लगता है, क्योंकि फास्ट और इजी बन जाता है। शाही टुकड़े का एक अपना फ्लेवर है, उसका तो आप किसी से उसका फ्लेवर मैच नहीं कर सकते। बट अगर आपने फटाफट कुछ बनाकर खाना है तो इससे बेटर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। शाही टुकड़ा भी जो है वो भी मेरी मैंने रेसिपी डाली हुई है शाही टुकड़े की भी। तो शाही टुकड़ा जो है मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। और उसको बनाने क्या है कि उसमें रबड़ी बनाते हैं हम, तो थोड़ा वो हल्का टाइम कंज्यूमिंग जो रेसिपी मैं उसे बोलूँगी। तो वो तो जब आप तसल्ली से आपका मूड हो और तब आप उसे बनाएं, अदरवाइज तो ये रेसिपी मुझे बेस्ट लगती है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे कप में भी जो लेवलिंग करके, मैं आपको अभी दो तरीके की इसको सर्व करना सिखाऊंगी, बड़े मज़े का दिखता है। आप उसे चाहे फिर कप में लेवल करके सजाएं, चाहे फिर आप उसको ऐसे पीस निकाल के प्लेट में सर्व करें, जैसी आपकी मर्जी वैसा करें। लेकिन जो एक इनोवेशन दिखता है डिश में जब आप किसी को सर्व करते हैं डिश को अच्छे से, तो एक इनोवेशन दिखाई देता है। तो आज हम इनोवेशन, वही इनोवेशन मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले इन्हें कर लेते हैं अच्छे से ब्राउन। तो देखिए गाइस, यहाँ हमारे ब्रेड जो है टोस्ट हो रहे हैं और हमें इनको बिल्कुल देखिए ऐसे टोस्ट करना है जैसे हमने इनको ब्राउन कर लिया। तो हमारे ये टोस्ट रेडी हैं, ये हमारे और रेडी हो गए हैं, और हमारा यहाँ देखिए कस्टर्ड भी रेडी है। यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया है और हमारा कस्टर्ड भी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से वो गाढ़ा हो चुका है, और ऐसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। आप चाहे अपना मीठा जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें आपको मीठा कैसे रखना है, और उसके बाद आप उसको उतार लीजिए और अपने अकॉर्डिंग मीठा खाइए। क्योंकि मीठा इसमें देखिए, जो हम आमतौर पर कस्टर्ड बनाते हैं उसमें मीठा फ्रूट्स का भी जाता है, तो उसमें मीठा कम रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका मीठा, ये हम जब ब्रेड के साथ बना रहे हैं तो ब्रेड ऑलरेडी फीकी है, तो हमने क्या करना है जो है मीठा उसके अकॉर्डिंग हमने तेज़ी डालना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस स्टेज पे 3 टेबलस्पून चीनी और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है मीठा वो है कम लग रहा है मेरे को आमतौर पर। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से हिला लेते हैं और 2-3 मिनट इसे पका के इसे उतार लेते हैं। तो देखिए गाइज, हमारा यहाँ पे जो कस्टर्ड है वो बन चुका है, और मैंने इसको क्या किया, रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा कर लिया। अभी भी हालांकि इसमें से हल्की हल्की देखिए भाप आ ही रही है। तो हमें यही कंसिस्टेंसी में अपने जो कस्टर्ड पुडिंग को है वो सेट करना है, हमें बिल्कुल ठंडा कस्टर्ड नहीं चाहिए। तो जैसे ही अगर आपका कस्टर्ड हल्का सा रूम टेम्परेचर में आने लग जाए तो उस समय आप अपनी पुडिंग को सेट करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अभी मैंने यहाँ पे देखिए 2 तरह की डिश ली हुई है। एक तो मैंने जो बड़ा डिश है जो हम जिसमें राइस आमतौर पर सर्व करते हैं वो है, एक मैंने ग्लास लिया हुआ है। मैंने आपको बोला था ग्लास में भी मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये जो डिश है इसमें सर्व कर लेते हैं। ये मैंने देखिए जो ब्रेड है उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया है। अगर आप तेल में करते हैं तो इसका जो कलर है वो और अच्छा आता है, लेकिन तेल का मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ब्रेड को प्लेस कर देते हैं। ये देखिए, तो देखिए गाइज यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अपने ब्रेड को जो है सेट कर लिया है, जिस तरीके से भी आपकी ब्रेड सेट होती है। और इसके ऊपर हम अपना जो माइल्ड गरम हमारा कस्टर्ड है वो डालेंगे, ताकि जो ब्रेड है वो भी कस्टर्ड को क्या करे, अच्छे से पी ले और हमारी जो ब्रेड है वो भी सेट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से हमने क्या है, भर भर के इसमें कस्टर्ड डालना है हमारा जो ब्रेड है, क्योंकि वो बहुत सोखता भी है ब्रेड जो होता है, इसलिए हमने ये डाल दिया है। और मैंने 4 से 5 लेडल भर के, आप देख लीजिए, मैंने डाल दिए हैं इस पर। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अनदर लेयर ऑफ ब्रेड लगाएंगे।
इसमें अगर ब्रेड आपकी हल्की सी ज़्यादा टोस्ट भी हो जाती है तो चलेगा, बिकॉज अगर हम घी में ब्रेड को टोस्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसका जो टेस्ट है वो अच्छा ही आता है, चाहे आपका ब्रेड, जैसे मेरे कुछ ब्रेड हैं जो डार्क हो गई हैं देखिए, पर कोई बात नहीं, इसका जो आपका टेस्ट आएगा वो घी का जो होता है, तेल में अगर ज़्यादा फ्राई हो जाए तब तो आपका जो है वो डिश इफेक्ट हो सकती है, अगर आपने इसको इसमें किया है घी में किया है तो आप बेफिक्र होकर अपने ज़्यादा जो टोस्टेड ब्रेड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सेकंड लेयर भी लगा दी है, अब मैं इसको क्या करूँगी, अनदर लेयर ऑफ कस्टर्ड। अब हमने क्या करना है, कस्टर्ड को ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, और कस्टर्ड मैंने जानबूझ के ज़्यादा भी इसलिए बनाया क्योंकि हमारे घर में जो कस्टर्ड है बहुत पसंद किया जाता है, तो मेरे पास फ्रूट्स भी हैं तो मैं उस कस्टर्ड को करूँगी फ्रूट के साथ सर्व। तो अगर आपको सिर्फ इसके लिए, क्योंकि कस्टर्ड देखिए ज़्यादा बना लेंगे तो क्या होता है वो कभी ख़राब नहीं जाता है, आप उसको जो है अनदर डे भी उसको आप कोई सी भी आपके ऐसे ही ब्रेड बच जाए तो आप दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने अपने कस्टर्ड को, आप एक बार इसे ऐसे ऐसे हिला लीजिए और इसको टैप कर दीजिए। यहाँ हम डालेंगे इसमें अब मिक्स नट्स, ये देखिए, और इसमें नट्स का जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत बढ़िया आता है, तो नट्स जो है बिल्कुल उसमें कंजूसी ना करें नट्स डालते समय। और यहाँ हमने लिए हैं ये ब्लैक वाले रिजिन्स, ये ड्राई क्रैनबेरीज हैं वैसे तो, और अब इसके ऊपर डालेंगे हम टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी बेसिकली एक टेस्ट तो देती है, साथ में जो हमारे डिश का जो कलर है वो इससे बहुत बढ़िया हो जाता है, तो इसको आप ये भी डालें और कलरफुल डालें हो सके तो, प्लेन कलर्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कलरफुल डालेंगे तो आपकी डिश जो है वो और बढ़िया लगेगी। तो गाइज़ इसको देखिए, आप इसे सेट करके रखें कम से कम फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए, तब इसे आप इंजॉय करें और तभी इसका जो है असली मज़ा आएगा, क्योंकि ब्रेड जो है वो कस्टर्ड को सोख लेगी और नीचे जब आप इसकी लेयर्स निकालेंगे तो आपकी लेयर्स जो है वो थिक थिक लेयर निकलेगी। अभी तो ये देखिए लिक्विड ही है थोड़ा, तो इसलिए हमको अभी क्या करना है, इसको फ्रिज में रखना है और इसे सेट होने के लिए रख देना है। तो मिलते हैं आपसे 3 से 4 घंटे के बाद, तब तक मैं आपको कप में दिखाती हूँ कैसे एक सेटिंग कप में भी हो जाए। तो देखिए गाइज़, आप इसे नॉर्मल कप में भी सर्व कर सकते हैं, वैसे कप में जब आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो, 2-3 जने घर पे आ रहे हो तो आप ऐसे कप में भी इनोवेशन करके, तो इसमें क्या है, ऐसा ग्लास ले लीजिए आप, जो आपके मूज़ वाले ग्लास होते हैं, किसी भी तरीके का आपके पास ग्लास हो वो ले लीजिए। इसमें क्या करिए, पहले आप एक, मेरे पास ये CNC, आपके पास जो बिस्किट है वो ले लीजिए, ये देखिए, ये बेसिकली जो है डिश को वॉल्यूम देने के लिए हम ये लगाते हैं, तो आपके घर में जो बिस्किट है आप ले लीजिए। फिर हम डालेंगे इसके ऊपर कस्टर्ड, बिस्किट जो है उसको हम फिर दोबारा से थोड़ा सीधा कर लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे अपना एक ये ब्रेड का जो हमने बनाया था, उसके ऊपर भी हम एक लेयर और डालेंगे, फिर से उसके ऊपर एक बिस्किट की लेयर लगाएंगे, फिर दोबारा से उसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में पार्टी होती है तो हम ऐसे बनाकर इनको फ्रिज में रख देते हैं और जैसे ही गेस्ट का डेजर्ट खाने का टाइम होता है इनको हम तुरंत क्या करते हैं, निकाल के सर्व कर देते हैं। तो हमारे लिए भी बहुत कंफर्ट हो जाता है कि हमने इसको इतना प्रिपेयर भी नहीं करना है और पहले से बना कर रख देते हैं तो उसका टेस्ट भी आ जाता है अच्छा सा और इसमें खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो देखिए इसको फिर ड्रेसिंग कर देते हैं ऊपर से मिक्स नट की, और ये देखिए, और यहाँ पे डाल देते हैं अपनी ब्लैक ड्राई क्रैनबेरीज और ये अपना टूटी फ्रूटी। तो इसको अब आप ऐसे सर्व कीजिए, आप एज अ पुडिंग सर्व कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, खाने में दोनों तरीके से बहुत अच्छा लगेगा। और तो मिलते हैं आपसे, इसको भी मैं सेट करूँगी कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में, ओवरनाइट भी कर लेगी तो बहुत बढ़िया है, और वैसे अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप एक्सप्रेस फ्रिज में फ्रीज़र में अपने फ्रिज में इसको डाल दीजिए और 2-3 घंटे में बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो चलिए इन्हें करते हैं फ्रीज और आपसे मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। तो देखिए गाइज, हम 2 घंटे बाद मैंने इसको चेक किया तो ये हल्का अभी फिर भी फर्म है और सर्व करने लायक है। तो आप इसे फिर फ्रीज़र, मैंने इसको फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रखा था तो ये सेट हो गया है, और इसको आप 2-3 घंटे फ्रीज़र में रख के इसको फिर आप नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए, और तो ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है,
ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, और इसको मैं सर्व करती हूँ। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल केक की तरह निकला है। ये देखिए कितना बढ़िया खाने में। पर ये जो ब्रेड है अभी भी जो है वो सख्त है, क्योंकि इसने जो है अभी कस्टर्ड को अच्छे से सोक नहीं किया है। अदरवाइज अगर आप बाइट साइज इसे खाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो अब जैसे मेरा एक कप देख लीजिए, मैंने एक कप में भी इसको बना के रखा हुआ है। इसे तो आप बहुत अच्छे से, ये देखिए मैं कस्टर्ड आपको टेस्ट करके बता देती हूँ। बहुत ही यम बनाए, और मैं आपको ब्रेड के साथ भी इसको खा के बता देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो हमारी पुडिंग है वो सेट हो गई है। पर आपको इसे अगर और अच्छा रखना है इसको अपने गेस्ट के लिए, तो आपको इसको 2-2.5 घंटे फ्रिज में और सेट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से कस्टर्ड को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले और अच्छे से हमारी पुडिंग रेडी हो जाए। तो गाइज ये थी मेरी रेसिपी कस्टर्ड पुडिंग की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी कुछ मीठी सस्ती सुंदर टिकाऊ रेसिपी के साथ मैं मिलती रहूँगी आपसे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और ख्याल रखिए अपना, और फॉलो करते रहिए सारे कोविड रूल्स, और स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अलर्ट, बाय बाय।